कुछ एक बड़े मैसेज को लेकर बनाई गई थी, बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़ी डायरेक्टर थी, और फिल्म को उसी ही बड़ी तरीके से जो है पर्दे पर उतारा गया, और जो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जो मैसेज लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं एक सोशल एक मुद्दे को उठाती है जहाँ एसिड हमारे देश में खुलेआम मिलता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसको ही फिल्म उस मुद्दे को उठाती है, और मुझे लगता है फिल्म काफ़ी सफल कोशिश है। ये किसी जेंडर नहीं वो कर सकते, जेंडर बायस नहीं करता, इसको में इस कहानी में ऐसा दिखाया गया कि लड़की ऐसे फेंकती है, मगर इसमें जेंट्स और लेडीज का कोई मतलब फीमेल की कोई वो नहीं है। एसिड जो है इस फिल्म में एक डायलॉग भी है, एसिड जो है लोगों के दिमाग में होता है, हाथ में नहीं, और जिसके दिमाग में एसिड हो जरूरी नहीं कि वो लड़का हो या लड़की हो, पर आमतौर पर ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब कोई निराश आशिक, तो हमारे देश में उसकी घटनाएं हुई एसिड लेकर निराश आशिक ने की है। ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं तो इसके प्यार, और लड़की जब प्यार को ठुकरा देती है या कोई लड़की अपने जैसे कि लोअर मिडिल क्लास के बस्तियों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, और अधिकतर वो लड़कियां जो जैसा कि इस फिल्म में डायलॉग था कि जो पढ़ना चाहती हैं या बढ़ना चाहती हैं या फिर वो किसी प्यार को इनकार कर देती हैं, तो विफल आशिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में अगर स्ट्रेटजी नंबर के हिसाब से देखा जाए। इस फिल्म में मैं दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के लिए, अरिजीत सिंह के गाने के लिए, मेघना गुलजार के डायरेक्शन के लिए, विक्रांत मैसी के लिए मैं फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू मैम। आपको बस अभी थोड़ी देर पहले हम छपाक देख के आए हैं, और आई थिंक फिल्म का जो होता है, जो हमने ट्रेलर में देखा था, इट इज़ जो हमारे देश में जो सैडली एसिड अटैक्स होते हैं हमारी महिलाओं पे, तो वो मैसेज जो है इन्होंने एक अवेयरनेस से काफ़ी अच्छी तरीके से की है। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा स्क्रीन प्ले मुझे थोड़ा 19-20 का लगा, आई थिंक ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इट कुड हैव बीन मोर एंगेजिंग, बट ओवरऑल अ फाइन फिल्म, और आई थिंक वंस अगेन मेघना गुलजार वो प्रूव करती है कि वो जो ट्रिकी सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंसिटिव सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हें वो बहुत बारीकी से संभालती है, और आई थिंक दीपिका पादुकोण ने जो काम किया है काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट हाफ में आई थिंक उनके इतने डायलॉग्स नहीं है, बट जिस अंदाज में जो स्टोरी प्ले आउट होती है फर्स्ट हाफ में, तो आई थिंक वहाँ पे उनके डायलॉग्स आपको नहीं सुनने मिलेंगे, बट सेकंड हाफ में काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। सर तेजाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म के इसके बारे में तेजाब जो फेंका गया है? देखिए तेजाब तो ऑब्वियसली तेजाब क्या है वो बहुत डेंजरस चीज़ है, और फिल्म जिस मुद्दे के लिए लक्ष्मी लड़ी थी आई थिंक वो थोड़ी दुख की बात है कि वो अभी तक उनका पूरा हुआ नहीं है, और उन्होंने जो कैंपेन किया था स्टॉप एसिड सेल, आई थिंक इसे 100% रोका तो शायद नहीं जा सकता है, बट ये है कि हाँ इसके जो यूसेज हैं वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, जो मेनली सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहिए, और इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड एज वेल कि कौन तेजाब ले रहा है क्या है, और बट मेन वही है इसमें आई थिंक तेजाब को दोष देना वो नहीं है, बट यहाँ पे तो जो तेजाब फेंकते हैं वो इंसान है, तो आई थिंक ये फिल्म हमें सवाल खड़ा होता है कि एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चे को, खासकर अपने लड़कों को क्या सीख देते हैं, वो बहुत उन्हें कैसी परवरिश देते हैं वो बहुत मैटर करता है। एज अ मैन यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमेंस कंसेंट, कि अगर वो आप उनसे भले मोहब्बत करते हैं बट अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए एक वुमेंस के डिसीजन का, और ना कि कुछ ऐसा दर्दनाक काम करना चाहिए जिससे उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिल्म के अंदर क्या मैसेज दिया गया है? फिल्म में मैसेज वही है कि बस इस तरह के जो हादसे हैं ये होने नहीं चाहिए, और अगर इन एसिड का सेल कम्प्लीटली रोक दिया जाएगा तो शायद ऐसे हादसे नहीं होंगे। फिल्म के एंड में दिखाया गया कि आई थिंक 2017 में कुछ 250 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे एसिड अटैक के, तो ये काफ़ी शर्मनाक की बात है हमारे लिए एज अ कंट्री, एज इट इज़ हमारे कंट्रीज में रेप्स या जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अभी कहीं ना कहीं इस टाइप के जो क्राइम है सोसाइटी को जब जब ऐसे क्राइम होते हैं तभी हम खड़े होते हैं और नोटिस करते हैं, मेन वही है आई थिंक इसमें जो मानसिकता है इंसान की आई थिंक वो बदलनी बहुत ज़रूरी है हमारी। 5 में से कितना स्टार देंगे फिल्म? इसे मैं 5 में से आसानी से आ थिंक थोड़ा स्क्रीन प्ले मुझे 19-20 का लगा, तो शायद इसलिए 5 में से मैं इसे 3 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देखिए मेघना गुलजार थी और साथ में दीपिका का इधर मैम इधर, तो फिर ये तो बिल्कुल शत प्रतिशत हमें भरोसा था कि बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। मेघना ने इसके पहले भी जो 2 फिल्में बनाई वो
बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहानी स्लो रह गई और इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन फिल्म का जो थीम था और फिल्म का जो मैसेज था, मैसेज नहीं बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि वो एक तरह से वार्निंग थी कि भैया अगर तुम हमारी पूरी ज़िंदगी छीनोगे तो हम भी तुम्हारे 10 साल बर्बाद करके छोड़ेंगे। जैसे फिल्म में दिखाया गया कि दीपिका के ऊपर एसिड फेंका गया है, तो एसिड के ऊपर बैन आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा कि कहा गया कि बहुत सस्ती चीज़ है, उसको बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, तो ये बैन अगर सरकार लगाती भी है तो कैसे लगाए, इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, कहीं भी बन सकता है। छोटी छोटी जगहों में तो लोग ये भी कह के छूट जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये बैन, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि अगर इस तरह से तुम कुछ करोगे तो जिस तरह से लेप के कानून बहुत तगड़े हैं उसी तरह के इसके भी कानून बहुत तगड़े बनने चाहिए ताकि लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से ना करें। और जो पिंकी वाला केस था वो तो बहुत ही दर्दनाक था, हम मुंबई में उसको देख चुके हैं, जो पिंकी आई थी बाहर से आई थी और उसकी डेथ हो गई। फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे आप आज में से? मैं 4 देना चाहूँगा। आज में से 5? नहीं, 4। थैंक यू सो मच मैडम। फिल्म कैसी लगी और सफाई के बारे में क्या? देखिए, मेघना गुलजार थी और साथ में दीपिका का, इधर मैम इधर, तो फिर ये तो बिल्कुल 100% हमें भरोसा था कि बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। मेघना ने इसके पहले भी जो 2 फिल्में बनाई वो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहानी स्लो रह गई और इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन फिल्म का जो थीम था और फिल्म का जो मैसेज था, मैसेज नहीं बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि वो एक तरह से वार्निंग थी कि भैया अगर तुम हमारी पूरी ज़िंदगी छीनोगे तो हम भी तुम्हारे 10 साल बर्बाद करके छोड़ेंगे। जैसे फिल्म में दिखाया गया कि दीपिका के ऊपर एसिड फेंका गया है, तो एसिड के ऊपर बैन आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा कि कहा गया कि बहुत सस्ती चीज़ है, उसको बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, तो ये बैन अगर सरकार लगाती भी है तो कैसे लगाए, इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, कहीं भी बन सकता है। छोटी छोटी जगहों में तो लोग ये भी कह के छूट जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये बैन, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि अगर इस तरह से तुम कुछ करोगे तो जिस तरह से लेप के कानून बहुत तगड़े हैं उसी तरह के इसके भी कानून बहुत तगड़े बनने चाहिए ताकि लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से ना करें। और जो पिंकी वाला केस था वो तो बहुत ही दर्दनाक था, हम मुंबई में उसको देख चुके हैं, जो पिंकी आई थी बाहर से आई थी और उसकी डेथ हो गई। फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे आप आज में से? मैं 4 देना चाहूँगा। आज में से 5? नहीं, 4। थैंक यू सो मच। बोलिए सर, क्या लगा आपको फिल्म देखकर? फिल्म अच्छी लगी, डायरेक्शन अच्छी है, सब कलाकारों की एक्टिंग अच्छी है और इसमें एक जानकारी दी गई है कि तेजाब जैसा घिनौना का क्राइम, इसके लिए सजा बहुत कम है और ये इजीली अवेलेबल है। मेघना गुलजार की कोशिश है कि ये आसानी से उपलब्ध ना हो। और इस फिल्म का क्या असर होगा समाज पर, क्या मैसेज देने जाएंगे आप? मैसेज लोगों ने दे दिया है कि मैसेज यही है कि तेजाब बैन होना चाहिए, दुकानों में मिलना देती है आसानी से। बाद में कितना स्टार देंगे आप? मैं 5/4 स्टार। थैंक यू सर। हाँ सर बोलिए। ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है देविका पादुकोण, उसने एक ग्लैमरस रोल किए अभी तक और ऐसा रोल करना हर हीरोइन का डैरिंग होगा नहीं, इसीलिए मैं उस डैरिंग के लिए मैं इसको मान लेता हूँ दीपिका। हालांकि फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे लगता है कि पब्लिक को उतना पसंद आएगा और सिंपति लेती है और ये इसकी सिंपति मिलेगी। और क्योंकि हमारे जो मेल डोमिनेटेड लोग हैं जैसे आदमी लोग, उन लोग कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हैं कि लड़कियों को अत्याचार करने में आदमियों का ही हाथ है और हमेशा आप देखते हैं एक्सेट विक्टिम को जो आरोपी है वो उनका घर का ही आदमी होता है, इसीलिए और भी बुरा लगता है। और फिल्म में ऐसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है,
मिला है लोगों को, क्या मैसेज मिला है फिल्म से? मैसेज यही है कि आप जो जो लेडीज जो वुमेन जो गर्ल्स जिसको ऊपर आना है उसको आर्मी लोग ही नहीं आना चाहते देते, ये तो बहुत गलत है। पाँच में से कितना स्टार देंगे? पाँच में से मैं सिर्फ दीपिका पादुकोण है करके मैं दो दे रहा हूँ। सर ये बताओ ये अटैक क्यों होता है? ये जलन है, आदमी लोग नहीं चाहते कि लड़कियाँ आगे बढ़े। इसमें लेडीज का सिंपल सी बात है, लेडीज का हाथ होता है इसमें, देखा दिखा है इसमें लेडी एसिड फेंक रही है, तो ज़्यादातर किसका हाथ होता है? ज़्यादातर जो प्लान है ये कोई प्लान ही करके करता है। हमारे देश में आज एसिड अटैक से तो पूरा तो आजकल रोड पे लोग पब्लिक आके क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं। थैंक यू सर, पूरा है। थैंक यू सर। फिल्म देखकर क्या लगा आपको? अच्छी फिल्म है, बढ़िया काम है, दीपिका पादुकोण ने अच्छा काम किया है जी। और ऐसी फिल्में जो है ना बहुत कम बनती है। मेघला चार के डायरेक्शन अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, बढ़िया फिल्म है। फिल्म से क्या मैसेज मिला आपको? ऐसे ही है कि कुछ अपराध कम हो तो तभी एक अच्छी बात हो सकती है। पाँच में से कितना स्टार देंगे आप? पाँच स्टार दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, ¿Qué tal?